हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बच्चों एक इनकन्वीनियंस ही, पिछला पार्ट जो हमने किया था पार्ट वन, ये पार्ट टू उसके कंटिन्यूसली है। तो उसमें जो आंसर था, जो लास्ट क्वेश्चन हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, उसका आंसर 2 आवर्स था, तो 10 आप देखना भूल गए थे, तो उसे ठीक कर ले लीजिएगा। अब बच्चों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं, वाटर फ्लो के 2 क्वेश्चन, और अब आप इसको अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है निहारिका और मानसी इस क्वेश्चन में? अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डेप। इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड। अब देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है, जब आपका फिगर बन जाता है, ये बच्चों कनाल है, कनाल पे ये एक पाइप लगा दी है, ये बहुत खुशी की बात है। और इसमें से जो वाटर जो फ्लो हो रहा है वो आपको समझ आ रहा है किस वे से फ्लो हो रहा है बच्चों, 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। ये जो डैश का निशान होता है पर आर होता है, और कहाँ जा रहा है बच्चों, ये भी जो जिसके अंदर जा रहा है बच्चों, सिलेंड्रिकल में जा रहा है। तो ये खुशी इसलिए है कि दोनों बच्चों सर्कुलर शेप में बने हुए हैं, तो जिससे पाइप आपका दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन जो है इजी वे में आ जाएगा। तो ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? तो एक रूल और आप लोगों ने याद रखना है, यदि ये भी सर्कुलर पाइप है और ये सिलेंडर है, तो आपने पाई पाई की वैल्यू नहीं रखनी कभी भी, क्योंकि पाई पाई दोनों तरफ से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और धीरे धीरे इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों इंटरनल डायमीटर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अभी हमने सेंटीमीटर लिखा है, देखें कोई यूनिट कन्वर्ट करनी होगी तो यूनिट कन्वर्ट करते हैं। इनटू अ कनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, तो ये इसके अंदर गिर रहा है, तो इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, तो 10 है तो 10 डायमीटर है, तो ये हो गया बच्चों 5 मीटर। ये सेंटीमीटर में है वो मीटर में, तो अभी हम डिसाइड करेंगे कि इसको किसके अंदर सबको कन्वर्ट किया जाए, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। और डेप्थ कितनी है बच्चों, हाइट कितनी है बच्चों, 2 मीटर। हाइट कितनी है, 2 मीटर। तो इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आर, और यहां पर स्पीड जो 1 है वो कितनी है बच्चों, 3 किलोमीटर पर आर, ठीक है। इन हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है बच्चों, कितनी देर में ये जो वाटर है आपका फिल्ड हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अब बच्चों मुझे ये बताओ राहुल, अब इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में। तो ये बताओ बच्चों मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 बाई कितना हो जाएगा, 100। वेरी गुड, 0 से 0 चला गया, तो ये क्या आ गया बच्चों, मीटर आ गया। इज इट क्लियर? और इसको स्पीड को बच्चों हमने क्या कर लिया, 3000 मीटर पर आर। ये क्लियर है बच्चों या नहीं? और आपको मैंने आइडिया दिया था, शॉर्टकट कर लो, चाहे आप इसको कॉन्सेप्ट कह लो, बर्नौली कॉन्सेप्ट है, तो इसको अब करना है, आराम से करना है, अच्छी तरह करना है। और ये क्या हो गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने दो, आर की जगह क्या रखते हैं बच्चों, और स्पीड कितनी दे रखी है यहां पर, 3000 मीटर पर आर। लेकिन इसको आपने कुछ नहीं करना, और ये जो इधर टाइम लेंगे वो भी बच्चों पर आर में ही आएगा, तो इधर भी बच्चों क्या आया, पाई, और ये क्या आया, 5 का स्क्वायर, और कितना आया बच्चा, 2, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, टाइम, स्पीड मैंने आपको क्या बताई थी बच्चों, स्पीड क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज इट क्लियर बच्चों या नहीं? हाइट अपॉन टाइम कह लो या डिस्टेंस अपॉन टाइम कह लो, ठीक है, क्योंकि स्पीड के ऊपर टाइम डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, यदि आपके मीन्स ऑफ आपके वो जो साधन है, ठीक है बच्चों। सबसे बड़ी बात क्या हुई बच्चों, पाई से पाई कहते हैं, ये आपका 1/100 आ गया है, और ये आपका 3000 है, और ये आपका 25 × 2 आ गया है, और ये आपका टाइम है। यहाँ तक बात बच्चों सबको समझ आ रही है, नहीं आ रही, अच्छी तरह समझ आ रही है? तो अब इधर देखो बच्चों, 0 से 0 चला गया, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। और ये आपका 50 आ चुका है, 50/t इज इक्वल टू 30, 0 से 0 चला गया, तो 3t = 5, और t = कितना आ गया, 5/3 आवर्स। ये बच्चों 2004 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर, लेकिन अब इसको एग्जैक्ट निकालना है तो
तो 5/3 ये बच्चों 1 से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। तो इसको यदि अब मिनट, तो 5/3 आवर्स, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ बच्चों, 3/3 × 1/ कैसे लिख सकते हैं इसको बताओ, 1 + 2/3 आवर्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बचाओ बच्चों, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों 1 आवर, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2/3 × 60, तो ये आ गया आपका 1 आवर 40 मिनट्स के अंदर जो टैंक है वो बच्चों क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों अब आप देख रहे होंगे कि कितना इजिली और कितने सिंपल वे से सॉल्व हो रहा है, और बच्चों ने तो पूरी शीट कर ली है। आप निहारिका कहाँ तक पहुंच गए बच्चों, कहाँ तक क्वेश्चन करनी है, 20th तक हो गया शीट के अंदर, ठीक है गुड। तो अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करेंगे, ये कहाँ से है बच्चा क्वेश्चन, बच्चे कह रहे हैं ये सर आपका NCERT में से क्वेश्चन है, ठीक है चेक। अब आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ जी पढ़ो राहुल, आयुष्मान आप पढ़ो। वाटर इन कनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, तो अब ये बताओ बच्चों ये पाइप किस तरह की है, ये बताओ, सिलेंड्रिकल नहीं है, ये इस तरह की पाइप है बच्चों, तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्लियर है ओके। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम है बच्चों, A1 × S1 = A2 × S2, तो ये आपका आ गया बच्चों 6 × 1.5 और उधर क्या बच्चों 4, तो इसको हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो 4000 कितना आ गया बच्चों 4000, इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के अंदर कितना एरिया करेगी बच्चों, तो ये एरिया इसको लिखा बच्चों मैंने, और यहां पर S2 जो होता है आपको मालूम है क्या होता है, हाइट अपॉन टाइम, तो ये बच्चों 8 सेंटीमीटर कह रहा है, लेकिन ये मीटर में था, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 8/100, कितना हो जाएगा 8/100, और ये क्या बच्चों 10 मिनट्स, कितना बच्चों 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स उसने टाइम भी दे दिया है कि 10 मिनट्स में कितना इरिगेट होगा। ये क्या था बच्चों 1 आवर के अंदर था, किसके अंदर था 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर कितना था बच्चों, ये 4000, कितना था 4000, ठीक है, मतलब 60 मिनट्स में कितना था, ठीक है बात समझ आ रही है नहीं आ रही, और मिनट्स 10 मिनट्स में कन्वर्ट करना है 60 मिनट, ठीक है, और ये 60 मिनट था बच्चों पर आवर था, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं बच्चों 60, ठीक है 60 मिनट्स किसमें 1 आवर में, तो 10 मिनट्स में कितने होंगे 1/60 × 10, तो ये 0 से 0 गया, तो ये कितना आया बच्चों 1/6, कितना आया 1/6, तो यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा 1/6, ये बात समझ आती है नहीं आती, क्लियर है या नहीं, अच्छी तरह क्लियर है। ये किसमें दे रखा था बच्चों आवर्स में दे रखा था, किसमें दे रखा था आवर्स में, और ये टाइम यहाँ पर किसमें दे रखा है मिनट्स में दे रखा है, तो इस मिनट्स को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया आवर्स में, तो ये 1/6 आवर्स है, क्या 1/6 आवर्स, बात समझ आई बच्चों। अब सॉल्व करते हैं इसको सिंपला सिंपल वे से, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इधर बड़े ध्यान से देखो इसको बेटा, इस तरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते निहारिका, हाँ जी ये क्या बच्चा 4000, ठीक है = area = 8/100 × ऊपर जाएगा तो 6/1, तो अब बड़े ध्यान से देखो बच्चों 1 0 से 1 0 ये चली गई, ठीक है, और देखो और कुछ कैंसिल होता है या नहीं होता, तो ये 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा तो देखो, तो 15 × 400 × 100/8 = क्या जाएगा बच्चों एरिया, तो ये कितना आया 2, ये कितना आ गया 50, तो 5000 × 15, तो ये आ गया 75,000, और किस में चल रहा था बच्चों ये सारा का सारा मीटर, तो एरिया जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, तो दिस इज अ सिंपल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो वाटर इन अ कनाल इज 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप, ये बच्चों सब किस में दे रखा था मीटर में, इसलिए सबको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया,
लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो एरिया निकालना था, कुछ नहीं दे रखा था सिलेंडर में या किस में है, तो ये प्रिज्म की तरह ही है, ठीक है। और इक्वल इनटू 8/100, ये कैसे आया 100, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और ये जो टाइम था बच्चों, ये भी आर्स में 1/6 आर्स है, क्योंकि 10 मिनट में वो कहता है कितना एरिया इरिगेट करेगा। इसको सॉल्व कर लिया तो ये वो कितना आ गया, 75,000 मीटर जो है वो क्या करेगा, इरिगेट करेगा। थैंक यू वेरी मच।